दोस्तों, तो ये आज पहली बार जो है मैं जो है व्लॉग जो है शाम के टाइम जो है वो शूट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। हाँ, तो मैं पहली बार जो है वो व्लॉग जो है शाम के टाइम शूट कर रहा हूँ। मैंने कभी घर पे व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन जो है मैं वो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एक बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। तो अभी जो है मैं आपको बाहर ले चलता हूँ बिना किसी देरी के, और आपको जो दिखाता हूँ कि क्या स्पेशल आज है जो जिसके लिए मैंने आज रात को व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी आप देख पा रहे हैं वक्त जो हो गया है, अभी तकरीबन 8:40 हो गए हैं। और देखिए, ये देखिए, ये चीज़ दिखानी थी मैंने आपको कि ये देसी कद्दू होता है। देखिए, ये इसको कल आपको बना के दिखाएंगे। और जो जम्मू से बाहर रहते हैं मेरे दोस्त, मेरे सारे जो सब्सक्राइबर्स, उनको ये चीज़ दिखानी थी कि आपको मिठाइयाँ बाहर बहुत सारी मिल जाएंगी, सारी हर चीज़ की, लेकिन ये प्रेम स्वीट्स की जो है मिठाई, और ख़ास करके ये चीज़ जो है आपको बहुत कम जो है देखने को मिलेगी बाहर की स्टेट्स में, और अगर मिलेगी भी तो इसका ऐसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं पतीसा। तो ये जो है J&K की, और ख़ास करके जो खुद एरिया की जो है जम्मू में, उसकी फिर एक बहुत फेमस डिश है। तो देखिए, ये चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा था कि देखिए, मैंने आपको वादा किया था कि जब मैं वॉक करने के लिए एक दिन निकला था तो मैंने आपको बताया था कि जम्मू के लोग जो है वो मक्कियाँ खाते हैं, लेकिन उन मक्कियों में जो है दम नहीं होता है। वो बस मक्कियाँ जो है काम की होती हैं, काम चलाव होती हैं, जल्दी से उनको भून के देते हैं और नींबू डाल के देते हैं, और वो जो मक्कियाँ हैं उनमें दम नहीं होता है। तो दोस्तों, ये मक्कियाँ जो हैं, मैं आपको बताऊँ, ये स्पेशल चिंता से आई हैं, भद्रवाह के एक टाउन चिंता से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और सिर्फ इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसको हम जो है, देखिए, कोयले हमने जो है आग इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको गैस पे हम भूनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका जो थोड़ा मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा, इसलिए हमने कोयलों पे। लेकिन अगर सबसे बेस्ट बात यह है कि आप अगर भद्रवाह जाएं और किसी के घर में जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो देसी लकड़ियाँ होती हैं, जिनको इग्लू कहा जाता है, जो देवदार की लकड़ियाँ होती हैं, उनको जब जलाया जाता है और उन पर जब इनको भूना जाता है मक्खियों को, वो जो एक फ्लेवर आता है, जैसे तंदूरी चिकन का एक फ्लेवर आता है, जब उसको कोयलों पे भुना, वो कोयलों को सोख लेता है, वैसे ही वो जो लकड़ियाँ होती हैं, देसी लकड़ियाँ कह सकते हैं, देवदार की लकड़ियाँ, उन पे जब इन मक्खियों को भुना जाता है तो इनका जो टेस्ट है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी हम चिंता से मक्खियाँ उला नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि मैं इस महीने की एंडिंग में, अगस्त की एंडिंग में या सितंबर की स्टार्टिंग में जो है चिंता का दौरा करूँगा, सिर्फ स्पेशल मक्खियों के लिए, क्योंकि मक्खियाँ मुझे जो है वो बहुत बेहद पसंद हैं। तो मैं स्पेशल मक्कियाँ खाने जो है भद्रवाह जाऊँगा, चिंता जाऊँगा अपने गांव, और वहाँ पर जो है आपको ज़रूर मक्कियाँ भून के जो खिलाऊँ और बताऊँगा आपको। फ़िलहाल अभी जो है मेरे पास चिंता की मक्कियाँ आ गई हैं और कोयले गर्म करने हमने डाल दिए हैं, तो अभी हम इन मक्कियों को जल्दी जल्दी भूनेंगे और इनका सेवन करेंगे। तो देखिए, ये घर के बाहर का मेरा दृश्य, ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है, और अभी जो है लाइट भी चली गई है, इसलिए कोई स्ट्रीट लाइट्स जो हैं अभी लगी नहीं हुई हैं। और देखिए, अभी जस्ट 2 घंटे पहले ही मेरे पापा जो हैं, मेरे पिताश्री जो हैं, वो घर से आए हैं, और उन्होंने ही ये मक्कियाँ जो हैं लाई हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी कष्ट के, हम इनको जो भूनेंगे और इनका जो आनंद लेंगे। गर्मी बहुत है दोस्तों, कोयलों के सामने बैठ के जो है इसकी तपिश का एहसास हो रहा है, वैसे भी ह्यूमिडिटी का मौसम है, लेकिन मैं जो है ये मक्कियाँ खा के फिर स्नान करूँगा। और देखिए, आप देख सकते हैं, आप पता नहीं देख पा रहे होंगे, चिपचिपी स्किन हो गई है, ह्यूमिडिटी है। तो मैं इसको जो है गर्म गर्म मक्कियाँ खा के, उसके बाद स्नान करके जो है फिर अपने बिस्तर पे सोने की, इसके लिए जो है विश्राम करूँगा। तो इतना सा ये ब्लॉग था मक्कियों का। ये मक्कियाँ हमारी भून रही हैं, और ये हमारे सहयोगी जिन्होंने ये मक्कियाँ इतनी दूर से हमारे लिए लाई हैं, इनका हम धन्यवाद करते हैं। तो इन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सॉरी दोस्तों, मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा।
ये देखिए देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा है कि ये आप मामूली खीरे हैं, कि ये कहीं भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये मामूली खीरे नहीं है दोस्तों, ये देसी खीरे हैं। और इनकी जो स्मेल है, देखिए देखिए इनकी जो स्मेल है, आप इनकी स्मेल से ही पता कर सकते हैं कि ये कितनी, आपको इनको खाने की भी ज़रूरत नहीं है, इनकी स्मेल ही आपको मदहोश कर देगी। तो ये देसी खीरे भी आपको सिर्फ चिंता में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, चिंता की धरती से ही उगेंगे, तब जाके आपको आनंद आएगा। तो ये देसी खीरे और देसी मक्खियाँ अगर आप खाना चाहते हैं तो मेरे नीचे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और मुझ तक पहुँचिए, मैं ज़रूर आपको कम से कम 2-3 खीरे दिलवाऊँगा और कम से कम मक्खियाँ भी आपको जो हैं वो देसी मक्खियों का स्वाद आपको चखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ चीज़ें जो हैं लाई हुई हैं, और मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं, कि एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये कश्मीर के सेब हैं, ये देखिए दोस्तों एक और हमें खीरा मिल गया। ये देखिए, ये देसी खीरे हैं, वो भी खीरे थे, लेकिन इनकी खुशबू देखिए, इनकी खुशबू जो है आप महसूस कर पा रहे होंगे। देखिए, प्रदर्शनी के तौर पे मैं इनको यहाँ लगा देता हूँ, ये खजाने से कम नहीं है, इसलिए इनको जो लॉक में छुपाना पड़ता है, ये किसी खजाने से कम नहीं है। और ये सेब देखिए, इनका कोई जवाब नहीं है, लाल, नीले, पीले, हरे, काले, देखिए। तो ये सेब जो है मामूली सेब नहीं है, ये बहुत स्पेशल सेब हैं, देखिए आप इनके कलर और इनके हाव भाव से जान पाएंगे। तो ये आज जो है देसी चीज़ें, ये देसी चीज़ें जो हैं आज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कि ये देसी चीज़ें जो हैं आप यूज़ करिए, इनको मुझे बताइए अगर आप भी इनका यूज़ करना चाहते हैं, इनको एक्चुअली खाना चाहते हैं, इनका स्वाद लेना चाहते हैं, तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन हैंडल पर जो है जितने भी मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं उन पर मुझसे कनेक्ट कीजिए और मुझे मैसेज करके बताइए। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको कम से कम मैं ये चीज़ें जो हैं उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, नई बाइक खरीदी है, तो मुझे हालांकि ये बहुत भारी लगती है, तो इसको मेरे भाई जी जो हैं वही चलाते हैं, तो मुझे तो ये रॉयल एनफील्ड की इतनी भारी बाइक अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये देख पा रहे हैं 350 सीसी है। तो मैं जो है, आपने मेरी बाइक देखी होगी एवेंजर, वो बहुत हल्की है, तो मैं उसी को चलाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों चलिए, मक्खियाँ जैसे ही बनती हैं तो आपको उसका थोड़ा सा से दिखा देते हैं कि कैसे खा रहा हूँ मैं, उसके बाद इस व्लॉग को, छोटे से व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आज मैंने रात को ये व्लॉग नया स्टार्ट किया, थोड़ा इनोवेटिव लगा होगा आपको, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आप देखिए अब मक्खियों का आनंद, लव यू। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. देखिए दोस्तों, आखिरकार मेरे से होगी, देखिए गर्म गर्म अंगारे, आप ही कितने आपको लाल लाल अंगारे दिख रहे होंगे, देखिए ये देखिए। और मक्खियाँ हमारी ऑलमोस्ट सारी मक्खियाँ भून चुकी हैं, और एक मक्खी को मैंने जो है अपने आगोश में ले लिया है, देखिए इसकी तपिश जो है मेरे हाथों में, मेरे पूरे हाथ में इसकी तपिश है, और ये बहुत गर्म है, लेकिन मैं इसको जो है पकड़ रहा हूँ, और देखिए कैसी जो है
ऐश जो है, अंगारों की ऐश उड़ रही है हवा में। और सबसे बड़ी बात देखिए, सॉरी कैमरा हैंडलिंग में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, ये जो मक्की है, खुशबू देखिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात, देसी मक्की और अंग्रेजी मक्की में खाने का तो टेस्ट है ही है, उसमें बता नहीं सकता, लेकिन जो खुशबू है ना दोस्तों, यार खुशबू, यार खुशबू की क्या बात करूँ। इस खुशबू के लिए आपको अगर 200-250 किलोमीटर का सफ़र करके भद्रवाह आना होगा तो आपका जो है सफ़र वो ज़ाया नहीं जाएगा। तो ज़रूर भद्रवाह आप जाएँ, खासकर इन मक्कियों के लिए जाएँ। अगर आपने ज़िंदगी में, खासकर जो जम्मू संभाग के लोग हैं, तो अगर वो ये मक्कियाँ नहीं खाई हैं उन्होंने, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ भद्रवाह आप जो हैं गर्मियों के मौसम में जाते हैं, जाई वैली, पदरी नाल्ठी, तो लेकिन अगर ये आपने नहीं खाई है इसके लिए तो, और ये मक्कियाँ जो है, इनका सीज़न आने वाला है सितंबर से, लगातार इनका सीज़न होता है और अक्टूबर एंडिंग में ये पक जाती हैं और इनकी कटाई होती है। सो सितंबर में आप किसी भी महीने में अगर भद्रवाह जाएँ, ये मक्कियों का ज़रूर टेस्ट कीजिए, आनंद कीजिए। और देखिए, अब मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मैंने बड़ी बकचोदी कर ली, अब मैं इनको खाऊँगा। फूड ऑर्गेज्म दोस्तों, फूड ऑर्गेज्म, कुछ भी खा लो आप, मोमोज खा लो, चाप खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, कुछ भी खा लो दोस्तों। देखिए मेरे मुँह से धुआं, दोस्तों मैं बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। मैं अब आपको तड़पाना नहीं चाहता हूँ। देखिए मैंने कितनी गर्म गर्म मक्की ये खा ली, देखिए धुएं भी निकल रहे हैं इसमें से, लेकिन मैं अपने टेस्ट बड्स को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये कह रही है कि और मक्कियाँ भी, कम से कम मैं 2 मक्कियाँ और खाऊँगा। दोस्तों आनंद ही आनंद है। देखिए दोस्तों मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अभी किसी और वजह से खुश नहीं हूँ, सिर्फ ये मक्की खा के खुश हूँ मैं, इसलिए मेरा खुशी में डांस नहीं कर रहा है। मक्कियों के त्यौहार के लिए एंजॉय कीजिए। मैं चाहता हूँ भद्रवाह में एक मेन फेस्टिवल भी किया जाए, जैसे लेवेंडर फेस्टिवल किया गया, वैसे जो है एक मक्कियों का फेस्टिवल भी किया जाए। तो देखिए इसको, मक्की को मैंने एक दाना भी नहीं छोड़ा। देखिए अभी जो है, देखिए अब मैं इस मक्की का अंत करने वाला हूँ, इसको मैं ऐसे निकालता हूँ। देखिए बाय।